यूपी के प्रयागराज में गुरुवार को संघर्षशील समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पहुंचे। यहां उन्होंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात की, साथ ही उन्होंने संगम में डुबकी भी लगाई। उन्होंने कहा कि उन्हें साधु संतों और महंतों का आशीर्वाद प्राप्त है और आगे भी प्राप्त होता रहेगा। के बारे में सबको आस्था है, सभी भारतीयों पे आस्था है, हम इसको भी आस्था है और ये संतों का मेला है। आज कुंभ है तो इसमें सभी गंगा मैया से आशीर्वाद लेते हैं, नहाकर डुबकी लेकर के सभी आशीर्वाद हम भी आए हैं और पूरे देश और प्रदेश की जनता की कामना के लिए और फिर हम अपने सभी मित्रों के लिए, शुभ चिंतकों के लिए, सबके लिए मैं आशीर्वाद यहाँ डुबकी लगा करके ले रहे हैं। 2019 का चुनाव भी है और तमाम लोग आ रहे हैं, अखिलेश जी भी आए थे तो सभी को जिसको आस्था है वो तो आएंगे। यहाँ पे धर्म संस्था चल रही है, अभी शंकराचार्य जी ने बुलाई थी, फिर VHP की हो रही है, तो राम मंदिर को लेकर भी कुछ चर्चा है, तो आपका इस पर कुछ आपका पक्ष क्या है? इसके बारे में हम बोल चुके हैं। प्रियंका गांधी यहाँ पर सक्रिय राजनीति में आई हैं, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, अब प्रियंका आई हैं तो मुझे तो थोड़ा सा सबको लग रहा है कि उनके आने से कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी। संगम में VIP मूवमेंट का ज्यादा हो रहा है, कहीं ये तो नहीं देखा जा रहा है कि यहाँ कुंभ नगरी में राजनीति भी 2019 की चल रही है? देखेंगे, गंगा मैया तो सबको देखती है, सभी यहाँ पर पूजा पाठ सब कर रहे हैं और जो कर रहा है, जो सब कुछ गंगा मैया और भगवान देख रहा है और यहाँ पर राजनीति नहीं करना चाहिए। 2019 से महंत जी का पूरा आशीर्वाद है, महंत जी का पूरा आशीर्वाद है और हमें अधिकांश संतों का आशीर्वाद हमेशा रहता है और रहेगा।